गुड मॉर्निंग गाइस, मैं राहुल और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल आईएएस दाऊद नगर। गाइस, आज की इस वीडियो सेशन में हम वॉइस टॉपिक पर लेकर के वीडियो उपस्थित हैं। तो विदाउट डिले किए बगैर मैं टॉपिक को स्टार्ट करता हूं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का ये डिमांड आ रहा है सर वॉइस पर भी वीडियो बनाइए ताकि वो एग्जामिनेशन में उसका बेनिफिट दिखे। तो चलिए आज हम लोग बात करेंगे वॉइस के ऊपर। वॉइस बेसिकली वॉइस का जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है गाइस, वो हमारा नाउन और वर्ब दोनों है। ए नाउन है और वर्ब दोनों है। एज अ नाउन दैट मींस व्हाट, साउंड, और एज अ वर्ब मींस टू प्रोड्यूस साउंड। लेकिन हम उतना तो जाएंगे नहीं, हम आप इसके डेफिनेशन पे, द चेंजिंग फॉर्म ऑफ, द चेंजिंग form of the verb, the changing form of the verb, not in the meaning of a sentence, not in the meaning of a sentence. Not in the meaning of a sentence is called voice. Voice क्या है? मैंने लिखा कि voice क्या verb का form है, लेकिन कैसा verb का form है? बदलते हुए form है। यानी वर्ब का फॉर्म बदल जाएगा लेकिन सेंटेंस का मीनिंग नहीं बदलेगा। वर्ब का फॉर्म बदल जाएगा, चेंजिंग फॉर्म ऑफ द वर्ब है। वॉइस क्या है? चेंजिंग फॉर्म ऑफ द वर्ब है, लेकिन सेंटेंस का मीनिंग सेम टू सेम रहेगा, जरा सा भी फर्क नहीं होगा। उसी को बोलते हैं वॉइस। ठीक है, वॉइस की अगर बात करें तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ वॉइस। फर्स्ट वन इज व्हाट, फर्स्ट जो हमारा वॉइस का टाइप है वो क्या है आपको बता दो, वो है हमारा एक्टिव वॉइस, और नेक्स्ट हमारा क्या है पैसिव वॉइस। दीज टू आर द टाइप्स ऑफ वॉइस, एक्टिव एंड पैसिव। अब हम लोग बात करेंगे कि एक्टिव क्या होता है, एक्टिव वॉइस किसे बोलते हैं। तो जिसमें हमारा सब्जेक्ट क्या होता है, डोमिनेट होता है, वैसा वॉइस जिसमें सब्जेक्ट डोमिनेट होता है। डोमिनेट करने का मतलब जिसमें सब्जेक्ट क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है, रोल प्ले करता है, तो वैसे वॉइस को हम एक्टिव वॉइस बोलेंगे। और ऐसा वॉइस जिसमें हमारा क्या होता है, ऑब्जेक्ट डोमिनेट होता है, ऑब्जेक्ट रोल प्ले करता है, वैसे वॉइस को बोलते हैं पैसिव वॉइस। चलिए तो मैं इरेज कर रहा हूं, एक्टिव को भी हम लोग देख लेते हैं, एक्टिव वॉइस को भी हम लोग देख लेते हैं और पैसिव का भी डेफिनेशन देखते हैं। एक्टिव वॉइस, the voice in which a subject is dominant, the voice in which a subject is dominant is called an active voice. वैसा voice जिसमें क्या होगा, subject dominate होगा, उस voice को क्या बोलेंगे, active voice बोलेंगे। चलिए कुछ example देखते हैं। He helps you. He helps. Help कौन कर रहा है? ये तो हमारा यू क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया।
और ही क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। हेल्प करने का काम कौन कर रहा है हमारा, सब्जेक्ट कर रहा है। और एक डोमिनेंट का मतलब क्या, जो लीड करे, जो क्या करे, लीड करे। अभी हम लीड कर रहे हैं, लीड करने का मतलब जो आगे गए तो आगे तो हमारा ही है ना, और ये हमारे क्या हो गया, यानी मेन वर्ब के ठीक पहले क्या, मेन वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब के ठीक पहले क्या होता है हमारा, सब्जेक्ट लीड करता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, एक्टिव वॉइस। लेकिन अगर वही सब्जेक्ट, ए सब्जेक्ट पीछे चला जाए और ऑब्जेक्ट आगे आ जाएगा तो दैट इज कॉल्ड व्हाट, दैट इज कॉल्ड पैसिव, ठीक है ना। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, फिर पैसिव की बात कर लेते हैं। पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस, तुम्हारा पैसिव वॉइस क्या है, सिंपल डेफिनेशन, द वॉइस, द वॉइस इन विच एन ऑब्जेक्ट, द वॉइस इन विच एन ऑब्जेक्ट इज डोमिनेंट, डोमिनेंट इज कॉल्ड एन, इज कॉल्ड पैसिव वॉइस। जिसमें क्या होगा, ऑब्जेक्ट डोमिनेट होगा, वैसा वॉइस जिसमें ऑब्जेक्ट डोमिनेट होगा उसको बोलेंगे पैसिव वॉइस। और इसमें एग्जांपल भी हम लोग ले लेते हैं, यहां पर क्या था, यू बाद में था ना, यू को यहां पर कर लेना, यू आर हेल्प, यू आर हेल्प्ड बाय हिम। अब थोड़ा गाइड अप जाने भी करता है कि ही हेल्प्स यू, लेकिन यहां पर क्या, यू आर हेल्प्ड बाय हिम, इस यहां पर बोला कि उसने तुम्हें मदद किया, उसने तुम्हें हेल्प किया, लेकिन